अस्सलामु अलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जहरास किचन। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही मज़ेदार की दाल पालक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बिना टमाटर के हम इसे बनाने वाले हैं। बहुत ही लजीज़ हमारा दाल बनकर तैयार होने वाला है, तो इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखते रहिए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। और साथ ही हेल्दी दाल की रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आए, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं दाल पालक की रेसिपी। दाल पालक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप अरहर दाल को 1 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखा है। इससे क्या है ना, दाल अच्छी तरह से फूल जाता है और पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1 बंडल पालक को मैंने अच्छी तरह से पानी से साफ़ कर लिया है। अब हमें क्या करना है, पालक को बड़े टुकड़ों में कट कर लेना है। रफली हम इसे कट कर लेंगे, क्योंकि हम तो इसे प्रेशर कुकर पर अभी बनाने वाले हैं, तो इस तरह से रफली कट कर लें। तो चलिए अब हम चलते हैं गैस स्टोव की तरफ। स्टोव के हाई टू मीडियम फ्लेम पर मैंने कुकर रखा है। कुकर के गर्म होते ही मैं यहाँ पर 2 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल डाल दूंगी। तेल जब हमारा अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, 1 छोटी चम्मच के करीब साबुत जीरा और 1 मीडियम साइज के प्याज को बारीक काट कर डाल लें। इन्हें हमें फ्राई करना है जब तक प्याज का कलर चेंज ना हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, मीडियम फ्लेम पर मैंने प्याज को फ्राई कर लिया है। अब मैं यहाँ पर डाल लेती हूँ 1 छोटी चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे मैं 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लूँगी, ताकि इसका कच्चा टेस्ट जो है वो निकल जाए। 2 मिनट के बाद अब मैं यहाँ पर 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल लेती हूँ। इसे मैं 1 मिनट के लिए भून लूँगी, ताकि इसका कच्चा टेस्ट जो है वो चला जाए। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर दाल और पालक दोनों को डाल लेना है। एक बार दाल और पालक को अच्छी तरह से मिला लें, इस तरह से चम्मच चला लें। अब मैं यहाँ पर 2 छोटी चम्मच के करीब नमक डाल लेती हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक यहाँ पर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर 1 कटोरी के करीब पानी ऐड कर लेती हूँ। और स्टोव का फ्लेम हमें यहाँ पर हाई कर लेना है। कुकर को लीड से कवर कर लेना है। 3 से 4 व्हिसिल आने तक हम इसे पकाएंगे। यहाँ पर हमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, सिर्फ 1 कटोरी करीब ही पानी ऐड करें। जब अच्छी तरह से प्रेशर रिलीज हो जाएगा, उसके बाद मैं आप लोगों को लीड हटाकर दिखाऊंगी। तो लीजिए फ्रेंड्स, अब जो है हमारा दाल पालक बिल्कुल तैयार है। लेकिन अब हमें क्या करना है, इसे तड़का लगाना है। लेकिन हमारा दाल अभी जो है थोड़ा सा गाढ़ा दिख रहा है। अब मैं यहाँ पर 1 कप के करीब हल्का गर्म पानी ऐड कर लेती हूँ। फिर से मैं स्टोव को ऑन करूँगी और थोड़ा सा हल्का गर्म पानी ऐड करके इसे मैं एक बार अच्छी तरह से खोलने के लिए छोड़ूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, दाल और पालक अच्छी तरह से खोलने लगा है। अब मैं स्टोव को ऑफ कर लेती हूँ और इसे एक सर्विंग बाउल पर मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी। जिस पर आप दाल को सर्व करें, उस पर ही इसे डाल लें, क्योंकि हमें अभी तड़का लगाना है। इसके ऊपर ही मैं तड़का लगाऊंगी, जो देखने में भी खूबसूरत लगेगा। जिस तरह रेस्टोरेंट पर दिखता है दाल तड़का, बिल्कुल वैसा ही लगेगा। तो तड़के पैन पर मैंने 1 चम्मच के करीब तेल डाल लिया है, स्टोव के लो फ्लेम पर रखा है। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, मैं यहाँ पर डालने वाली हूँ 1 छोटी चम्मच के करीब सरसों के दाने। इसी के साथ 2 लाल सूखा मिर्च, जिसे मैंने हल्का सा तोड़ लिया है। इसी के साथ मैं यहाँ पर 1 चुटकी के करीब हींग भी डाल लेती हूँ। हींग से क्या है ना, तड़के दाल का जो तड़का रहता है, उसका फ्लेवर बहुत ही बढ़ जाता है। तो इस तरह से ज़रूर तड़का लगा कर देखें। अब मैं स्टोव को ऑफ कर ली हूँ। अब मैं यहाँ पर 1/2 छोटी चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल लेती हूँ। इसी से ही क्या है ना, इसका कलर बहुत ही खूबसूरत आने वाला है पालक दाल का। तो चलिए अब मैं यहाँ पर दाल पर इसे डाल लेती हूँ। बहुत ही मज़ेदार की तड़के वाली पालक दाल की रेसिपी बनकर तैयार होती है। आप इसे अपने घर पर एक बार ज़रूर बनाकर देखिए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। सबसे आखिर में हरे धनिया को बारीक काट कर डाल लें और इसे आप चावल के साथ सर्व कीजिए, या फिर आप इसे रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ये खाने में माशाल्लाह से बहुत ही उम्दा रेसिपी है और साथ ही हेल्दी भी होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की तड़के वाली पालक दाल की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और साथ में पालक दाल की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।